मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे सूजी की स्टफ्ड इडली। उसके लिए हमने 2 कप सूजी ली हुई है, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा फैटा हुआ दही लिया हुआ है, 4 बॉयल आलू लिए हुए हैं, 1 टीस्पून राई ली हुई है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया हुआ है, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर लिया हुआ है, थोड़ा अदरक लिया हुआ है और हरी मिर्च कद्दूकस करके रखी हुई है, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर लिया हुआ है, ऑयल लिया हुआ है। सबसे पहले इसके लिए हम बैटर तैयार कर लेंगे। सूजी में दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इडली को हम विदाउट इनो के बनाएंगे, ये बहुत ही अच्छी बनती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पानी ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी और दही को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे जिससे इसमें कोई लम्स ना रहे। सूजी की कंसिस्टेंसी हमें इस तरीके से चाहिए, हमें इसे और ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि ये रखने के बाद भी थोड़ी थिक होगी। सूजी और दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है, थोड़ा नमक ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो चुका है, हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे कवर करके। बैटर को हमने रेस्ट पे रख दिया है, इतने हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। बॉयल आलू जो हमने छील के रखे हुए हैं इनको कद्दूकस कर लेंगे, आप चाहे तो इनको हाथों से भी मैश कर सकते हैं। सभी आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है, अब हम इसमें राई ऐड कर देंगे, कवर कर देंगे जिससे ये चारों तरफ ना चटके। राई को होने देंगे, राई अच्छे से चटक चुकी है, कवर को अलग कर देंगे। सभी मसाले ऐड करेंगे, फ्लेम को हम लो रखेंगे, हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा, मसाले को अच्छे से भून लेंगे, मैश किया हुआ आलू भी ऐड कर देंगे। नमक 1 टीस्पून, मैश किए आलू को भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उनको लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। हमें इसके लिए चटपटी सी फीलिंग तैयार करनी है। अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे, फ्लेम हाई कर दिया हमने, हाई फ्लेम पे भूनना है इसे हमें अच्छे से। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है, गैस को ऑफ कर देंगे और इसको अलग बाउल में निकाल लेंगे जिससे अच्छे से ठंडी हो जाए। एक बड़ा भिगोना लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे, उसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। कवर कर देंगे।
इडली बनाने के लिए हमने पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। इतने हम इडली स्टैंड को ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगाकर। इडली स्टैंड को हमने ग्रीस कर लिया है, इतने हम फिलिंग की बॉल्स बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और छोटे छोटे बॉल बनाकर इनकी तैयार कर लेंगे। हल्का सा प्रेस कर देंगे, सभी को बनाकर इसी के तरीके से तैयार कर लेंगे। स्टफिंग की सभी बॉल बनाकर हमने तैयार कर ली हैं। बैटर को रखे हुए 20 मिनट हो चुकी हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। बैटर की कंसिस्टेंसी हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, जैसी हमें चाहिए इडली बनाने के लिए। अब हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है। बैटर हमारा तैयार हो चुका है, इडली स्टैंड में थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड करेंगे। स्टफ करेंगे, फिर से स्टफिंग फिर से बैटर डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। फटाफट इसको फिल कर देंगे अच्छे से। फिर से बैटर डालकर कवर कर देंगे। सभी को इसी तरीके से फिल कर लेंगे अच्छे से। इडली स्टैंड को हम इस तरीके से सेट करेंगे, एक खाना नीचे और एक खाना इस साइड में आना चाहिए। सभी इडली को हमने अच्छे से फिल कर लिया है, अब हम इसे लॉक कर देंगे। पानी भी हमारा बॉईल हो चुका है, पानी भी हमारा बॉईल हो चुका है, अब हम इसे स्टैंड को उसमें रख देंगे। कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको 15 मिनट के लिए पकने देंगे। इडली को एक बार चेक कर लेंगे नाइफ डालते हुए, सेंटर में नाइफ हमारा क्लियर है। इडली हमारी हो चुकी है। इडली को हमने पहले 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बनाया था, फिर हमने इसको फ्लेम को हाई कर दिया था और 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बनाया है। स्टैंड को बाहर निकाल लेंगे, इडली स्टैंड को खोलकर इडली को हमने ठंडा कर लिया है। अब इनको अलग निकाल लेंगे नाइफ से चारों तरफ से घुमाते हुए। बहुत ही अच्छी और स्पंजी हमारी इडली बनकर तैयार हुई है। सभी को इसी तरीके से चारों तरफ से घुमाते हुए नाइफ की हेल्प से निकाल लेंगे। सभी इडली को हमने स्टैंड से अलग निकाल लिया है। बहुत ही अच्छी इडली बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। एक इडली को हम कट कर लेंगे और देख लेंगे। बहुत ही अच्छी इडली बनकर तैयार हुई है। आप इनको मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। सूजी की स्टफ्ड इडली बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।